मैं हाथ जोड़ के यही आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि मेरी मदद करें। मैं आज दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे पति को खतरा है। हमें बचाओ, आप हमें न्याय दिलवाओ। पद पे बैठे हैं घनश्याम सर्राफ या चेयरमैन भवानी प्रताप, उसने मेरे पति को लास्ट में विजय जाते वक्त धमकी दी है कि अब तो बच गया, मारूंगा तेरे को, कहीं मिल जइयो, छोड़ूंगा नहीं, जान से मारूंगा तेरे को मैं। चक्कू मारने अमन घनश्याम सर्राफ का लड़का भवानी प्रताप और ये जॉनी ड्राइवर। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो इस देश के जितने भी त्योहार हैं वो सुख समृद्धि स्वस्थ है, सबके घर में लक्ष्मी, सबके घर में बस साधन संपन्न पूरे करने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कई जगह हो जाता है कि लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं किसी त्योहार के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर या किसी परिवार के झगड़े देखे जा सकते हैं। तो आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, दीपावली से एक दिन पहले की बात का झगड़ा है और इसके इस झगड़े के अंदर यहाँ के विधायक के परिवार का नाम और विधायक के पड़ोस का मामला ये बताया जा रहा। काफी दिनों से अखबारों की सुर्खियां बना हुआ मामला ये, और आज भगवान परशुराम मंदिर के अंदर ब्राह्मण समाज की कहूँ, छत्तीसगढ़ बिरादरी कहूँ, वहाँ पे आज पंचायत इकट्ठी हो रखी है कि ये अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहे कि इन्होंने कहा कि हमारे कोई नहीं सुन रहा और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि MLA के पड़ोस का मामला है और MLA का नाम इसके रोले झगड़े के अंदर जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। जो अंदर पंचायत चली हुई, पंचायत से बात जानने का कोशिश करूंगा कि क्या मामला है, किस तरह से झगड़ा हुआ था, किस तरह से ये झगड़े की गाथा शुरू हुई मामले की। क्या मामला है, किस प्रकार की आज पंचायत इकट्ठी की गई भगवान परशुराम मंदिर के अंदर, क्या मामला थोड़ा बताएं खुल के। ये सर मामला ये है कि 11 तारीख की रात को हमारे घर में भवानी प्रताप और MLA का लड़का अमन और बंटी उफ संदीप और उसके अन्य 15-20 बंदे हमारे घर आए 11 तारीख को, छोटी दिवाली को, छोटी दिवाली को, छोटी दिवाली को। हाँ जी, मेरे भतीजा भतीजी मेरे को मिठाई की मिठाइयाँ और बधाई देने के लिए आए थे। तो उस टाइम अमन और ये घनश्याम का ये लड़का अमन सर्राफ और ये वो चेयरमैन भवानी प्रताप और 15-20 बंदे मेरे भतीजा भतीजे आए, तुरंत आए थे वो। इनका फोन आया था कि ऐसा है कि आप है ना बुआ जी, मैं गेट खोल दो, हम आए हैं। तो हम नीचे आए, हम नीचे उतरे और ये बच्चे आए थे उसी टाइम, उन्होंने देख लिया इनके घर पे कोई आया है। आते ही वो नोरे में ड्रिंक करने लग रहे थे, सट्टे लगा रहे थे वो। कौन? घनश्याम सर्राफ का लड़का, MLA का। अच्छा जी। अमन। अच्छा जी। और भवानी प्रताप। अच्छा। और उसका ड्राइवर जॉनी। अच्छा जी। और 15-20 बंदे थे जी, जो सामने उसके ऑफिस के सामने प्लॉट है उसमें। हाँ जी, सामने प्लॉट में। हाँ जी, ऑफिस में, नोरा जो बोलते हैं उनका। हाँ जी, हाँ। आप तो उनके पड़ोसी हो ना, बिल्कुल जड़ जड़ मकान। हाँ जी, हाँ जी, उनकी कोठी के बगल में ही बिल्कुल दीवार है हमारी जी। और वो चाहते हैं कि भी है ना ये घर खाली करके इसमें हम या तो गाड़ियों का कुछ बना ले या फिर है ना कुछ और भी कर ले, या मीटिंग वगैरह कुछ और उनके काम आएगा। हमारे दो ही घर है जी उसके बीच में। ये मेरे ससुर जिंदा थे तब भी उन्होंने जिक्र कराया था, मेरे देवर के साथ भी कराया था, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई है ना जैसे ऐसा है कि जो मेरे देवर दिल्ली रहते हैं कि भाई है ना हमें नहीं बेचना, आप अपना दे दो। तो ये इन्होंने वो भी रंजिश निकाल रखी है हमारे साथ, इनको मौका चाहिए था। ये इन्होंने देखे बच्चे आते आते ये हम खड़े थे पहले, इनके आने मारने पीटने लग गए आके। तो वो जब भतीजी बीच में आई तो उसने पहले तो भवानी ने सिर मारा इसको, इनको इनको। अच्छा जी। फिर उसने अमन ने इनको थप्पड़ मारा। अच्छा। फिर एक बंदे ने और छाती में मुक्का मारा। ये बच्ची बीच में आ गई मेरी। अच्छा। भतीजी ये बीच में आई तो इसके नाक पे ऐसे करके ना मुक्का मारा, रुको, नाक में मुक्का मारा उसको।
तो इसको अंधेरी आ गई है, गिर गई थी बेचारी। तो ये बेटा था, ये आके छुड़वाने लगा, जी रुको 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 क्या बात क्या हुई। हाँ ये मेरा भतीजा है। हाँ जी, तो ये बोला कि जी क्या बात हुई, रुको रुको हटाओ। हटाने लग गया इनको, हटाने लग गया तो उसने ऐसा वो उसके उसने जोनी ने निकाला चक्कू, उसके पास पता नहीं जी खतरनाक चक्कू था, उसने है ना इसके चक्कू से वार करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर और बंदों ने फिर लाठी और डंडों से वार करना शुरू कर दिया। जी तो लाठी और डंडों, हमें ये नहीं पता, हमारा एक बच्चा और भी बाहर है, वो बच्चा उन्होंने पकड़ रखा है 15-20 बच्चों ने, और 7-8 हमारे पास थे, वो हमारे साथ मारा पीटा करने लग रहे थे, पिटाई। और वो बच्चा है ना बाहर, उन्होंने चक्कुओं से वो ऐसे चिल्ला रहा था, पूरी पब्लिक देख रही थी जी, पूरी बाग कोठी देख रही थी ये अन्याय होते हुए। हाँ जी, तो मेरी बेटी ने 112 नंबर पे कॉल की, 13 साल की गुड़िया। हाँ जी, हमने 100 मदद मांगी पुलिस से, पुलिस आई हुई थी तुरंत हमारे घर पे, तो वो तुरंत ही आई हमारे पास, उन्होंने तुरंत हमारे पास पुलिस भेजी। पुलिस आई, वो काटा पीटी उनको मारने काटने लग रहे हैं बच्चों को। तो मैंने उनको पुलिस वालों को बोला कि भैया ये आप किस लिए आए हो, जब ये ऐसे कर रहे हैं आप, इनको बचाओ। तो बोले नहीं, उसने पकड़ के अमन ने उसको पुलिस वाले को ऐसे पीछे हटा दिया, पुलिस वाले। हाँ जी, तो सर अगर हमारी बात आपको झूठी लगे ना, तो उनके पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके पास, उनके घर के पास भी और उनके नोरे के पास भी। हाँ जी, तो उन्होंने है ना ऐसे उसको तो पीछे हटा के और उसको ऐसे चक्कू मार रहे थे, वो ऐसे चिल्ला रहा था वो लड़का, और बंदे उसको लठों से मार रहे थे, सिर बिल्कुल जी उसका खत्म ही लगा लो ऐसा हो रहा है, और पैरों में भी चक्कू है उसके। जी कितने लोगों ने मारने वाले थे जी? 15-20 बंदे टोटल थे, ज्यादा हो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन 15-20 तो थे ही थे। चक्कू मारने वाले चक्कू मारने अमन घनश्याम सराफ का लड़का, भवानी प्रताप और ये जोनी ड्राइवर। अच्छा, हाँ जी, चक्कू मारने वाले। हाँ जी, तो पुलिस पास आप और एक बंटी नाम का लड़का है जी। अच्छा, बंटी और संदीप। हाँ जी। अच्छा, और को मैं जानती भी नहीं जी किसी को, और जो भी बंदे थे उनको नहीं जानती मैं। हाँ जी, कोई इसमें मामले में कोई दिवाली दिन बात हुई है, कोई अचानक ही हमला हुआ? अचानक हमला हुआ जी, हमें पता ही नहीं था। अगर ऐसा पता होता तो मैं मेरे बच्चों को लेके मैं इनको भी मना कर देती कि भी ऐसा कोई हमारे साथ कांड होएगा तो मैं क्यों बुलाती बच्चों को। ड्रिंक रखी थी जी उन्होंने, और सट्टा लगा रहे थे वो नोरे के अंदर खुद है ना, हमारे को किसी ने बताया कि ये सट्टा लगा रहे हैं वहाँ पे ड्रिंक। इनका 2 साल पहले हमारे सामने भी कोई रहते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही लड़के के दोस्त आ गए थे, तब भी इसने अमन ने ऐसे ही किया था। अब वो माँ जी तो गुजर गई, वो माँ जी ने पूरा संघर्ष किया उस टाइम भी, और जैसे कि ये सब देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल सकता, सब डरते हैं इनसे, खुद बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं होने वाला, कहीं घूम ले कहीं फिर ले कुछ नहीं होएगा, मेरा बाप MLA है ये अमन। अच्छा, घनश्याम सराफ का लड़का और SP इनका रिश्तेदार है जी। अच्छा जी, खुद बोल रहा था मैं कल कपड़े उठाने के लिए गई तो बोला कि ना कहीं घूम ले कुछ नहीं होने वाला, मेरा बाप MLA सरकार मेरी और वो चेयरमैन भवानी प्रताप, SP हमारा रिश्तेदार है हमारा SP, कुछ नहीं होएगा कहीं चली जा तू। अच्छा, अगर ये सरकार मुझे न्याय नहीं देगी ना सर, तो ये ऊपर वाला देगा मेरे को, मेरे बच्चे। दूसरी ये है कि मैं खुले चौराहे पे खड़े होके मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगी, चाहे मुझे जल के मरना पड़े, चाहे मुझे मेरे बच्चों को जहर देना पड़े, मैं इनके साथ अपनी मौत निश्चिंत है, लेकिन जलालत की जिंदगी जीना मंजूर नहीं है मुझे। तो आप प्रशासन के किसके पास मिले हैं? हम जी, हमें कोई मिलने ही नहीं दे रहा अभी तो। अच्छा, किसी से तो 11 की रात ना? हाँ जी, 12, 13, 14, 15 हाँ जी, पांचवा दिन है जी आज। 5 दिन में आपने क्या क्या कार्रवाई आपके द्वारा हुई, आपके आपके लेके बयान क्या क्या? कल मेरे बयान हुए जी। अच्छा जी, कल बयान हुआ आपके? हाँ जी, कल मेरे बयान हुए हैं, कुलदीप SI ने बयान लिए हैं मेरे, लिखित में भी लिए हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग की है उन्होंने, उसमें भी है मेरा। और सर उन हालांकि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारा कुछ नहीं हो रहा, और मेरे हस्बैंड के पास के ऊपर उन्होंने है ना मुकदमा चला भी दिया। आपके हस्बैंड के ऊपर केस दर्ज हो गया, और हमारा कह रहे हैं कि इनका नहीं होएगा, इनके घुस के घर में इन्होंने मारा है। रोज तक लेके गए जी ना हॉस्पिटल में, तो इन्होंने एडमिट ही नहीं की, इस हॉस्पिटल में तो ये एडमिट ही नहीं कर रहे थे।
हाँ जी। अच्छा, इनके सारे बंदे वहां पे बैठे हुए थे पहले ही, हमारे से पहले ही बैठे हुए थे। अच्छा। और उस वो तो पुलिस लेके गई है वो बाहर वाले बेटे को, तो जो उन्होंने चक्कुओं से 15-16 चक्कू पेट में वार किए हैं, पैरों पे किए हैं, सिर में सिर सार सब कुछ फाड़ रखा था जी उसका। वो तो जब हमने पुलिस बुलाई तो पुलिस लेके गई है उसको कि भाई ना बहुत सारी पुलिस आई है। फिर बाद में तो डीएसपी भी शायद आए हैं वहां पे, इनकी कोठी पे बैठे यहाँ के। हाँ जी। तो जी अच्छे, क्या नाम अपना? जी मेरा नाम रजत है। रजत, आपको किसने मारा, क्या मारा आपको, आपको क्या लगा? जी घनश्याम के ड्राइवर जोनी ने मेरे सर पे चाकू से वार, चाकू से वार। हाँ जी। तो कितने चाकू मारे आपको? चाकू तो एक ही लगाया जी, एक हाँ। बाकी लटका ही काफी मार रखे सर में, थप्पड़ लात गुस्से सब कुछ मारा है जी। तो मैम अब आप समाज ने आपने आपने समाज इकट्ठा किया है, अब छत्तीसगढ़ बिरादरी की बात करें तो आप क्या समाज से ग्वार करेंगे, किस प्रकार की ग्वार करेंगे लोगों से समाज से? समाज से मैं ये चाहती हूँ आज मेरे साथ, मेरे बच्चियों के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बेटे बेटियों के साथ जो हुआ है ये अन्य बिरादरियों के साथ भी हो सकता है, उन बच्चों के साथ, बहुएं के साथ, बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहन भाइयों के साथ। ये नहीं है कि वो है ना एक लेडीज या बच्चों या उनके उनके लिए सब समान है, चाहे वो आदमी हो, बुजुर्ग हो या लड़का हो, जवान हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो जी। वो खुलेआम सबको गंदी गालियां देता है, और अगर एक समाज कुछ नहीं कर सकता तो औरत का तो जीना ही बेकार है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लग रहा है मोदी जी का, जब ये मोदी जी का नारा लग रहा है तो ये क्या हो रहा है उनकी सरकार में है? एक पद पे बैठे हुए घनश्याम सराफ एमएलए अपनी आंखों के सामने ऐसे वारदात करवा रहा है खुलेआम, तो पब्लिक कहाँ जाएगी, किससे गुहार लगाएगी कि भाई हमारी मदद करो, कहाँ जाएं हम? अच्छा, आपके साथ कोई झगड़ा हुआ, आपको किसने मारा? आपको किसने मारा? वो क्या नाम या नहीं पता मेरे को, बड़े ना आपको मारा रे। तो समाज इकट्ठा हो रखा है, मैं दो बात समाज से करने का काम करूंगा कि सर अभी समाज को इकट्ठा करके समाज से गुहार लगा रहे हैं, तो समाज किस प्रकार से साथ देगा, किस प्रकार से समाज अगुवाई करेगा, और क्या समाज की आगे रणनीति रहेगी कि इस तरह के हादसे ना हो समाज के साथ में हो या किसी छत्तीसगढ़ के साथ में, किसी का और ना हो। देखिए अजय जी कि आज बात ना किसी पार्टी की है ना किसी एक समाज की बात है, बात है अन्याय और उसके बारे में इंसाफ देने की बात। आप सबके सामने हमारी ये बेटी सारी बातें बड़ी डिटेल से बताई है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है वो तो सरकार होता है। ये ऐसे घृणित घटनाएं जो करवाता है उसके लिए तो मैं ये कहूंगा बड़ी निंदनीय बात है। जहां तक हमारे समाज की बात है कि ये अकेले समाज की बात नहीं, जैसे कि हमारी बेटी कह रही थी कि तो छत्तीस बिरादरी में किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है, और मैं तो 36 बिरादरी से प्रार्थना करूंगा कि इकट्ठे होके ऐसी जाति का मुकाबला करना चाहिए, और अगर थोड़ी बहुत भी विधायक घनश्याम सराफ में गैरत है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जिस प्रकार से विधायक, और आज सिर्फ ये चाहते हैं किसी उच्च अधिकारी से इस सारी घटना की न्यायिक जांच कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी। जहां तक कैमरे की बात है, विधायक के सामने कैमरे हैं, वो उसके निजी कैमरे हैं। अगर प्रशासन चाहेगा तो सारी घटना सामने आ जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि भिवानी छोटी काशी जो कि बहुत ही चैन अमन से रहने वाली जनता है यहाँ, और ऐसे हमारे बहन बेटियों के साथ होता रहा तो दुर्भाग्यपूर्ण। तो अब इस परिवार के साथ में किस तरह साथ दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप उनकी बात करें जो चोट मारने वाले लोग हैं वो तो एमएलए भी हैं, एमएलए का परिवार है, इन्होंने कहा कि एसपी भी इनका हाथ का है, डीसी भी इनका हाथ का है, मुख्यमंत्री भी, सरकार भी इनके हाथ की, तो अब आप लोग क्या अगला कदम उठाएंगे, आपके हाथ में क्या है? देखिए प्रजातंत्र है, इसमें हर आदमी को बोलने का अधिकार, हर आदमी को जीने का अधिकार। ये सरकारें किसी की बपोती नहीं, सब भाई हम बराबर हैं। समाज जो फैसला लेगा, समाज जो इकट्ठा होकर जो कार्रवाई करेगा, मैं उसके साथ। सर आप आज अध्यक्ष हैं इस सभा के, तो क्या फैसला लिया जाएगा, किस प्रकार से जो भी हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि जब सरकार उनकी है तो मारपीट और धक्काशाही या इस तरह की गुंडागर्दी ये नहीं करनी चाहिए थी। अगर मान लिया, मैं तो ये मानता हूँ अगर इस परिवार का भी अगर दोष है तो भी पुलिस थी,
ये गुंडे बुलाना, ये आदमी इकट्ठे करके घर में घुसना, बहू बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना, ये बहुत गलत है। और हम जो है समाज के 36 बिरादरी के सर्व समाज की मीटिंग बुला के और इसका विरोध भी करेंगे और इसके बारे में जो भी निर्णय होगा वो न्याय की न्यायिक मांग करेंगे। जो भी प्रशासन से ये मांग है अभी इसकी न्यायिक जांच और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर हम इस परिवार का भी ये नहीं करे भाई इनकी इनकी गलती हो तो इनको भी सजा मिले, हमें इस बात में भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये शहर से और किसी भी जगह से ये इस तरह का गुंडागर्दी बर्दाश्त के काबिल नहीं है और हम इसका बिल्कुल ऊंचे तक चाहते हैं भी न्यायिक जांच, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जी क्या कहेंगे सर? बता दिया ये भाई साहब, ये बात रहेगी। वकील साहब आप बताएं थोड़ा संक्षिप्त में क्या कार्रवाई हो सकती है, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, क्योंकि इनकी तो कोई नहीं सुन रहा। देखिए देश कानून से चलने वाला देश है, अगर किसी के पास सत्ता है, कोई SP है, कोई DC है, वो सुनवाई नहीं कर रहा तो उनसे भी उच्च अधिकारी है। और इस मामले की मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि निष्पक्ष जांच हो, दोषी जो भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कानून के प्रावधान जो है उसके तहत इनकी भी FIR दर्ज होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करके न्याय होना चाहिए सब। अगला कदम क्या है? अगला तो अब प्रधान जी ने कहा कि कल की मीटिंग बुला रहे हैं, सर्वजातीय मीटिंग बुला के, बड़ी मीटिंग बुला के, उसमें जो फैसला पंचायत के जिम्मेवार आदमी करेंगे वो होगा, कल प्रधान से मिला जाएगा, उन मीटिंग में सब की जाएगी। हाँ कल मीटिंग की जाएगी। समाज ने कहा कि कल मीटिंग भी होगी, सब आप प्रधान से मिला जाएगा, तो अब आप कितने संतुष्ट हैं समाज से, कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट जी, जब मेरे साथ न्याय होगा, मेरा समाज मेरे साथ है तो मैं इनका सहयोग चाहती हूँ और मैं SP साहब से, खट्टर साहब से, मोदी साहब से ये अनुरोध करती हूँ कि मेरे के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय करें, मुझे इंसाफ मिले और हम जो ये नारे लगा रहे हैं इन नारों को फिर बंद कर दो, अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलता तो बहू बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, न्याय बंद कर दो। और ये जो पद पे बैठे हैं घनश्याम सर्राफ या चेयरमैन भवानी प्रताप, उसने मेरे पति को लास्ट में विजय जाते वक्त धमकी दी है कि अब तो बच गया, मारूंगा तेरे को, कहीं मिल जाइयो, छोड़ूंगा नहीं, जान से मारूंगा तेरे को मैं, तो फिर ये गुंडा राज तो ये तो इन्होंने घनश्याम सर्राफ जी ने करवा रखा है, इनका बेटा सरेआम किसी को मार रहा है, काट रहा है, तो वो खुद करवा रहे हैं सामने खड़े होके ने, और उनकी है ना जब पैरवी कर रहे हैं वो खुद, तो बताओ इंसाफ कहाँ रह गया? आप मेरा समाज अगर मेरे साथ है तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा चाहे मैं मुझे जलना पड़े, अपने पूरे परिवार के साथ जल के मर जाऊंगी मैं, या फिर है ना मुझे जहर खाना पड़े, कुछ भी हो मैं जीऊंगी नहीं अगर मेरे साथ अन्याय हुआ और वो न्याय मुझे नहीं मिला। जिसके पीछे समाज इकट्ठा हो जाता है उसको दलने की मन की जरूरत पड़ती, क्योंकि आपकी लड़ाई समाज लड़ने को तैयार है, समाज तो यही बैठा हुआ है, आप विश्वास करेंगे? अगर ये मेरे साथ हैं तो मैं इनके साथ पूरा सहयोग करूंगी, ये मेरी मदद करें, मैं हाथ जोड़ के यही आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि मेरी मदद करें, मैं आज दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे पति को खतरा है, हमें बचाओ आप, हमें न्याय दिलवाओ। चलो आ जाओ। तो जी आपने सुने जो पीड़ित पक्ष है जिनके चोट लगी हुई है, अब ये एक पक्ष था, अगर दूसरा पक्ष बुला के बताना चाहेगा इसमें क्या मामला है, किस प्रकार से मामला हुआ, किस प्रकार से मामला बढ़ा, तो वो दिखाने को तैयार हूँ। तब तक न्यूज ये है, JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट, परशुराम मंदिर के अंदर से।